नाहन में जिला परिषद में विलय की मांग और अन्य वित्तीय लाभों के लिए कलम छोड़ हड़ताल पर बैठे का आंदोलन 20वें दिन में प्रवेश कर गया। ये कर्मचारी नाहन में अभी भी हड़ताल पर बैठे हैं। अब इन कर्मियों को पंचायत प्रधानों का भी समर्थन मिल रहा है और वो भी इनके साथ खड़े हो रहे हैं। नाहन में भी कई पंचायत प्रधान, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य इनके साथ हड़ताल में शामिल हुए। हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने बताया कि वे लोग तब तक हड़ताल पर बढ़े रहेंगे जब तक उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं किया जाता। उधर पंचायत प्रधानों ने बताया कि पंचायतों में विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा सिलाई कर्मियों और पंचायत चौकीदारों को पंचायतों में कार्य करने का जो निर्णय लिया है उसका भी विरोध किया है। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। जिला परिषद कर्मचारियों की स्ट्राइक लगभग 20 से और 22 दिन के आसपास पहुंच गई है। पंचायतों का विकासात्मक कार्य पूरी तरह से ढांचा ध्वस्त हो चुका है और आम जनता को सेक्टरी से पंचायत में जा करके काम करवाने होते हैं, वो जनता लगातार प्रधानों के घर में दस्तक दे रही है। और जिस तरह से सरकार कार्यक्रम बना रही है कि पंचायत चौकीदारों और सिलाई अध्यापकों को जो है पंचायत का चार्ज दिया जाएगा, वो सरासर गलत है। क्योंकि चार्ज अगर पंचायत चौकीदारों और सिलाई टीचर्स को दिया जाता है तो वो बिल्कुल भी अपना पंचायत सेक्रेटरीज का जो काम करने में है निपुण नहीं है। और दूसरी तरह से अगर उनको कार्यालय की चाबी और सभी प्रकार का चार्ज दिया जाता है और फाइनेंशियल चार्ज नहीं दिया जाता और पूरी जो फाइनेंशियल्स जो पेपर्स हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल वाउचर्स हैं, इस समय पंचायत कार्यालय के अंदर मौजूद होते हैं, तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप उनको चार्ज देना चाहते हैं तो उसके साथ साथ उनसे एक एफिडेविट भी जरूर लें कि अगर किसी तरह की भी फाइनेंशियल पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स, हमारे बिल वाउचर गुम होते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी जो है पंचायत चौकीदारों और जो भी कर्मचारियों को आप चार्ज देना चाहते हैं पूरी पूरी उनकी रहेगी। और प्रधान यूनियन संघ नाहन इसका पूरी तरह से विरोध करती है कि इस तरह बिना प्रशिक्षण दिए किसी भी कर्मचारी को एक निपुण प्रशिक्षित व्यक्ति का जो चार्ज है वो दिया जाना सरासर गलत है। इस तरह का अगर रवैया सरकार का रहेगा तो पब्लिक में जिस तरह रोष फैल रहा है, ये रोष बहुत फैलने वाला है। और जिस तरह से ये जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल बनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि है जो स्ट्राइक है पूरी तरह से एक जन आंदोलन बन जाएगा, जिसमें के जो कर्मचारी है, जिसमें मुख्यतः जो हमारे सेक्टरीज लोग हैं, हमारे ग्रामीण स्तर पर जो युवा आज टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं उनके सर्टिफिकेट जो मेन एक मुद्दा है वो नहीं मिल पा रहे हैं। हमें दिन को रात को फोन आता है कि हमारे सर्टिफिकेट बनाने हैं, किसी का OBC का बनाना है, किसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना है, किसी का जो है इनकम का सर्टिफिकेट बनाना, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी जो है युवा वर्ग को आने वाली है। हमारा विनम्र निवेदन है, हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इन कर्मचारियों की जो है जो मांग है वो जल्द से जल्द जो है सुनी जाए। जिस प्रकार से पंचायती राज विभाग में जो है हमारा विकास रुका है, जो हमारे टेक्निकल है वो 3 लाख तक जो है जो हमारे उनको मान्यता प्राप्त है, जो उनकी MBA करनी होती है, जो 3 लाख के ऊपर का कार्य है वो हमारे JEE की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जो बड़े बड़े विकास कार्य है उनके ऊपर ग्रहण लग गया, हमारे बिना JEE के MBA कौन करेगा ये हमें पता नहीं लग रहा है। हमारा फिर से विनम्र निवेदन है पंचायती राज विभाग के जो है अधिकारियों से, हमारे मंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इन कर्मचारियों की मांग जो है सुनी जाए और इन्हें जो है काम पर तुरंत लौटाया जाए। हम ऐसा इसमें सबसे ज़्यादा पंचायत प्रभावित हो रही है क्योंकि प्रधान और सेक्रेटरी एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। जब तक पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान काम नहीं करेंगे तब तक पंचायत का और देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता। मेरी मुख्यमंत्री से पहले अनुरोध किया था, अब भी कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इनकी मांग पूरी करें और सुचारू रूप से काम चलाएं। क्योंकि जो स्ट्राइक चली हुई है इसका मुख्य मांग जो है विभाग में विलय की है, जिसका कि आज हमारी हड़ताल को चले हुए 20वां दिन है। तो हमारी मुख्य मांग एक ही है विभाग में विलय की, क्योंकि हमारे को पिछले वर्ष भी हमने स्ट्राइक की थी, उसमें भी हम 12-13 दिन तक स्ट्राइक पर बैठे रहे थे, तब भी हमारे को सरकार द्वारा आश्वासन ही मिला था वर्तमान मुख्यमंत्री जी से। वह बाद में हमारी एक नोटिफिकेशन भी हुई थी 6th pay वाली, जो कि सितंबर 2022 में जारी हुई थी, जो आज तक अभी तक फाइनेंस में जारी कभी फाइल कभी वो डिक्टेट आ रही, मतलब कि उसका भी हमको अभी तक बेनिफिट कुछ नहीं मिला है। एक पे जाने के लिए मजबूर है हमें आज
19 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारा कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हम कम से कम 4700 के करीब इस मतलब स्ट्राइक पे मौजूद हैं, लेकिन सरकार द्वारा या विभाग द्वारा हमारी कोई भी सुनवाई अभी नहीं हुई है।